किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मेरा आ गया ये माँ साहब ने दे दिया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे पहन के। और ये वो क्रॉस स्टिच का जो मैंने लिखवाया पॉकेट और बटन्स मेरे जो मैंने लिखवाए थे। तो वो एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपस में अब आपसे नाराज हो रही हैं, वो सेंटर वाला नहीं दिखा रही, तो उनके साथ मैंने शेयर किया। और अच्छा, इसको ना ऊपर से हुक्स को बोल्ड करने का मतलब ये कि ऊपर जो अभी तो जो सरिया सा होता है उसके अंदर तो आप उल्टी साइड से दिखा रहे थे, मैं बता रही हूँ ये जगह है सारी वो उल्टी साइड से। तो ये सारी सूरत हाल है और ये वो जाफरी है ये जिसका सब मुझे कह रहे थे, तो आज मैंने 2LD जाफरी करा दिया है। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपको सबसे पहले वीडियो की स्टार्ट होते ये बहुत खूबसूरत और प्यारा सा ड्रेस दिखा रही हूँ। ब्लॉक प्रिंट है गोटे के साथ, फेस्टिव ड्रेस है और इसमें ये एक्चुअली ना ये 36 कलियों का कुर्ता है और प्योर लॉन के ऊपर है और डिटेलिंग सारी मैं अगर आप इसको दिखाऊं तो इतनी खूबसूरत है। दुपट्टे के अंदर टिश्यू है, सामने ये सारा गोटा है। और आजकल गर्मी, अच्छा अब ना शादियों का सीज़न वाली बात ख़त्म हो गई है, शादियां हर सीज़न में होती हैं, हर वक्त शादियां चल रही होती हैं, फेस्टिविटीज़ कोई ना कोई होती हैं। मैं क्वेश्चन ठीक कर लूँ क्योंकि यहाँ मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि आपको मैं दिखाती हूँ ये ड्रेस जो कि बहुत खूबसूरत है और आपकी ईद के लिए या आपके वार्डरोब के लिए ऐसा ड्रेस है जिसका फैशन कभी भी नहीं ख़त्म होगा। तो मैं ख़ुद भी अपने लिए एक ऑर्डर कर रही हूँ और ये मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा है ये लॉन है। और मैंने अब जब से मैंने वो अवार्ड्स देखे हैं ना, लक्स स्टाइल अवार्ड्स, मैं मेंटली तौर पे इतनी स्कार्ड हुई हूँ और साथ में मैं समथिंग हॉट देखती हूँ आमना वैसानी का, वो भी उतनी स्कार्ड थी, लेकिन मैंने जो वीडियो की थी वो उसको सुनने से पहले की थी कि ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर वेदर और क्लाइमेट, जो भी आपका मौसम चल रहा है उसको ज़हन में रखें। वो भी मैं क्योंकि उनसे ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ और वो फैशन क्रिटिक हैं, तो मुझे और ज़्यादा समझ आई कि वाकई आपको जो भी कोई आप कपड़े पहने वो आपके मौसम के हिसाब से ही होने चाहिए, वरना आप बहुत आप खुद अनकंफर्टेबल होते हैं और देखने वाला भी हो जाता है। तो ये मैंने कहा आपको सबसे पहले ड्रेस दिखाऊं। अभी मैं जा रही हूँ एक वही जो कमेटी पार्टी है उस पर, और वहाँ पे जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, कुछ लोगों ने जो कुछ चीज़ें कही हुई है ना, जो शॉप्स के नंबर वगैरह हैं वो यूजली डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए होते हैं, फिर भी शीबा का या वो मैं इसमें भी डाल दूँगी आप नहीं है? अच्छा, वो फिर लेना पड़ेगा। लोकेशन तो पता है ना? लोकेशन नहीं, जो बाहर से लोग हैं वो कॉल करके कर रहे हैं। अच्छा, वो फिर मैं जब जाऊँगी ना तब लेके आपको बताऊँगी मैं, क्योंकि अभी नहीं है मेरे पास। और क्या था, क्या मैंने कहना था, हाँ किचन के ऊपर रैक वाली जो जगह देखनी है वो भी मैं जब किचन में जाऊँगी तो दिखा दूँगी, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है, अभी मैं उधर नहीं जा रही बिल्कुल भी। अभी आप खाली ये वाला ड्रेस देख लें और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद, जब मैं टेलर के पास जाऊंगी तो मैं वहां पर रिकॉर्डिंग करूंगी, क्योंकि कल मैंने जाना था मां साहब को सूट देना था तो वो गए हुए थे तो वो मैं नहीं दे सकी मैं, तो अभी मैं जाके उनको सूट दूंगी। और जो क्रोशी की पॉकेट्स वाला वो भी लिंक शेयर किया हुआ है मैंने, मैं इंस्टाग्राम स्टोरी भी उसकी बना दूंगी, काइंडली आप वहाँ से देख लें। अच्छा, और बाकी जो भी क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं ना उन वो मैंने यूजुअली रिप्लाई किए होते हैं किसी ना किसी उसी वीडियो में, या नीचे आप पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन में वो होते हैं। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, हम लोग अब निकले हैं, मैं आबिद के बगैर हूँ लेकिन अभी मैं अपना सूट सिलने को दूंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसा बना रही हूँ। और मैंने माँ साहब से कहा है कि मुझे कल सुबह बना के दें ताकि कल की वीडियो में मैंने वो पहना हो, बड़ा ज़रूरी है बिना नया सूट पहनना। बिल्कुल भूल गई वीडियो बनाना जहाँ पे मैं बटन लिया मैंने और सूट सिलने को दिया, मैं बिल्कुल ही भूल गई उधर जाके कि मैं वीडियो बनाऊँ। बहरहाल अभी हम लोग आए, मैं और मेरी बहन, हम दोनों आए बाहर, मैंने कहा कुछ खा लें क्योंकि थक गए थे, काम बहुत किया था। और आए हुए हम लोग कोसार में, जो कि पीछे आवाज़ों से आपको पता चल जाएगा।
लेने के लिए, आज सब से सूट लेके फिर दिखाऊंगी आपको। कल मैंने जाना है एक्चुअली, एक जगह पे जाना है और फिर उसके बाद कल दो मतलब फ्राइडे को ना बानिया और लुलू सर दोनों के नई स्प्रिंग कलेक्शन, सॉरी समर कलेक्शन नहीं आ रही है, वो भी कुछ देख रही थी, तो कल उधर जाएंगे सूट पहन का भी कलेक्ट करके आपको दिखा दूँ। और बारिश में सर्दी में हर तरह से दिखाती रही हूँ ये रोड, और आज आप बहुत गर्मी में भी देखें कैसी लग रही है। एक्चुअली बिल्कुल काफ़ी सन्नाटा सा ही है, हालांकि अब लेट इतना नहीं है, आई थिंक 8:30 है मुझे, 8-8:30 बजे का टाइम है। लेकिन अच्छा कल भी काफ़ी गर्मी थी, लेकिन कल जब हम लोग निकले थे ना तो बहुत ठंडी हवा, और बहुत ठंडी तो नहीं, काफ़ी अच्छी सी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो अब देखते हैं अभी कैसा मौसम है बाहर, कार से निकल के पता चलेगा। सही स्वादी मेरा आ गया, ये है माँ साहब ने दे दिया। हम घर जाके खोल के दिखाती हूँ माँ साहब के, कैसे देखें। इसके जरा जो है ना बटन जो है ना, हाँ। वो बड़ी मुश्किल से बने हैं वो। अच्छा क्यों माँ साहब हर काम मुश्किल से आप खुद करते हैं? माँ साहब मेरी बहन का सुबह बना दे, हमने जाना है एक जगह पे। हाँ बना दे, ठीक है ना, ठीक है, जाता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं मैंने पहले सलाम किया या नहीं। आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आज फ्राइडे है, फ्राइडे के काम सारे मैंने कर लिए हैं, जो जो मैं सुबह पढ़ती हूँ जो चीज़ें हैं वो मैंने कर ली हैं। अभी जोहर की नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करके जो ड्रेस मेरा बनकर आया है, बहुत प्यारा बना है, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। ऑल दो मास साहब को मैंने बड़े बटन लगाने को कहा था लेकिन उन्होंने छोटे बटन लगाए, लेकिन स्टिल वो अच्छा लग रहा है, वो दिखा शेयर करूँगी। फिर मैंने जाना है एक नया कोई मॉल या जगह, अभी मुझे आइडिया नहीं है, इस्लामाबाद में वहाँ चक्कर लगाऊँगी, हो सका तो वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी। और बहुत ये अलर्ट एक वीडियो है, कल एग्जिबिशन है जिसका हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे रुबाब के घर, तो ऑल सेट टू गो। मैं अनाउंस करूंगी अपने इंस्टाग्राम पे कि किस टाइम पे मैं उधर पहुंच रही हूँ, ताकि अगर कोई जो मुझसे मिलना चाहता है वो उस टाइम पर वहाँ आ जाए। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग इनक्रेज करेंगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ तो लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब के घर बहुत प्यारे और अच्छे लगे, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इतना दूर ट्रैवल करके आए, वरना अदरवाइज़ तो ये है कैसे आप लोगों को सफ़र पड़ेगा, फ़ायदा कुछ नहीं। जब तक मैं वीडियो कंप्लीट करने लगी हूँ तो लाइट चली गई है बाय द वे, लेकिन बहाना चाहिए लाइट को भी जाने का। ड्रेस मैंने आपके साथ पिक्चर्स खींच ली, आपके साथ शेयर कर लूँगी अभी। और दूसरी बात यह है कि आज की वीडियो में मैं दिखाने लगी हूँ जो रैक किचन का सेंटर में मेरे है, उसको ज़रा उसको क्लोजअप्स दिखाऊंगी, और रीडू को खास तो नहीं किया लेकिन जो किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। वजह उसकी ये है क्योंकि एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि अमिल क्या करने लगे, क्या करें, आके कर लें। नहीं नहीं सर, आपने नहीं कुछ किया। आबिद इल्ज़ाम लगा रहे हैं आबिद पे, आमिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आबिद पे कि गाड़ी में साफ करके गया था कि मैंने जाना है तो वो गंदी होगी बारिश से, मैं और आबिद चले गए थे जरा बाहर। अच्छा जी, तो हाँ, तो वो एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपस में अब आपसे नाराज़ हो रही हैं, वो सेंटर वाला नहीं दिखा रही, तो उनके साथ मैंने शेयर किया है। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ, और बस सबसे पहले ज़रा आप लोगों को एक नज़ारा दिखाऊं। जी आमिर कहाँ गया? आमिर बाय, उन्होंने कहा था ना कि वीडियो बना दें इसके साथ, तो मैंने नवीद से कहा था जैसा इसको साफ कर दें, तो ये सफाई हो रही है, ये इरशाद सफाई कर रही है, वो नवीद आमिर आ रहा है सीढ़ी लेकर, ये सब चल रहा है मामला इधर किचन में। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा आप लोगों को ज़रा सा दिखाऊं कि जब काम कोई मैं शुरू करने लगती हूँ ना किचन में, तो मैं बस जैसे भी आज बाहर काम हो रहा है ना, थोड़ा पानी का काम शाम हो रहा है, तो वो बाहर नवीजा खाना वाना चाय वाय कर रहा था, मैंने आमिर को और इरशाद को कहा था कि बाहर से कर, ऊपर से इसकी सफाई शफाई कर लो, मैंने वीडियो बना के दिखानी है। वैसे तो साफ हुआ होता है लेकिन मैं चाह रही थी कि परफेक्ट सी वीडियो है, उसमें कोई वो ना हो, कोई मतलब अच्छी बने ना, मेरा दिल यही होता है चीज़ का कि ठीक तरह से हो जाए काम।
इतना शोर मचता है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम्हें इस तरह करना था, तुम्हें इस तरह करना था। तो मैंने आबिद से कहा मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहती हूँ कि जो किचन में शोर मचता है जब काम शुरू होता है। तो मैं खुद बनाने के लिए गई थी क्योंकि आबिद से वो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, घबराते हैं, और वो फिर मैं ऑर्गेनिक एक वीडियो चाह रही थी जो कि नहीं बन सकी, उस वक्त तक मामला थम गया था। आमिर की, अब आ रही आमिर जो कर रहा है सफाई और सारा कुछ। इरशाद, ये नवीद से जायजा ले रहा, नवीद हाथों से कर लो इसको भी, डस्टिंग शस्टिंग बस हो गया। आमिर हो गया होगा नहीं? अच्छा, जो इनकी सफाई इरशाद कर रही है वो कर रही है इसी मेकअप वाइप्स से, इनसे बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं सारे के सारे। ये देखिए ना ऊपर से मिट्टी कितनी गुजरी है। पाकिस्तान में ना बहुत बरकत है मिट्टी में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अभी लास्ट मंथ ईद के बाद, रमज़ान के बाद मैंने दोबारा से ऊपर से वो करना था। और फिर मैंने, हालांकि हम लोगों के इतनी ग्रीनरी है एरिया में, इतनी मिट्टी नहीं आती, फिर भी आ जाती है, तो इसलिए अब मैं ना इनको डांटने के बजाय अगर कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई हो तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ या इनसे से खुद कह के करवा लेती हूँ। क्योंकि वो बहुत होता है कि जब मैं अगर बहुत पहले मैं बहुत गुस्सा होकर डांटने लग पड़ती थी, अब मैंने देखा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब डांटने से फिर भी इनसे रह ही जाता है कुछ ना कुछ काम, तो इसलिए बेहतर है कि वो आराम से करवा लिया जाए। इस आवाज़ आहिस्ता कर दो कि बुलबुले की, मतलब आप नहीं देखते, देख मैं ही रही थी, अभी देख सके ना सर मैं सूट निकाल लूँ। अच्छा जी, मैंने इसके साथ बनाई है ये खुले पांचे वाली शलवार, मतलब खुला पांचा नहीं, चौड़ा पांचे वाली शलवार। और ये है जो पॉकेट लगवाई है मैंने ऊपर, और ये है बटन्स इसके। ये मेरी बेटी खदीजा की का सूट पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये है ड्रेस जो तैयार होके आया है। लॉक खुलेगा? अच्छा ठीक है, कर ले पहले जो कर रहे हैं। लंबी वाली चीजें मैं सेंटर में लटका दूंगी। मेरे पास हुक्स हैं जो आईकिया से आएंगे। पंखे की आवाज आ रही है, सॉरी, ये ऊपर से ना बोल्ट हुई नहीं है, जो ये है ना जो लगाया हुआ है आपने, जैसे लगवाया हुआ ना बोल्ट हुआ है ऊपर से। बोल्ट का जो मतलब है वो एक अच्छा मतलब है उसका, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपके पास। अच्छा जी, ये आया था मेरी फ्रेंड के घर से मिठाई का डब्बा, बड़ा क्यूट सा। अच्छा जी, अब जो लोग जाफरी ये बनाना चाह रहे हैं ना, मेरा ना असल में फ्रिज गया हुआ है इधर वाला, थोड़ा सा ठीक शीक होने के लिए, तो ये जगह इस तरह हुई हुई है। अच्छा, ये वाले जो जाफरी है ना, इसको आपने अगर वो अभी मुझे कह रही है, मैं बता दूं कि अगर ये अच्छी क्वालिटी की लकड़ी नहीं होगी ना तो टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो नॉर्मली ये जो आपको बना के देंगे ना, कच्ची लकड़ी की पट्टियाँ बनाते हैं जो कि वक्त के साथ टेढ़ी हो जाती हैं, इसको पॉलिश करवाया हुआ एंटी गोल्डन, और वो ब्राउन और एंटी गोल्डन सस्का है। और ये सारे ना ओवर द ईयर्स सारी चीज़ें जमा हुई हुई हैं मेरे पास, ये आज की नहीं है जो आज मैंने खरीदी हूँ। इसका मकसद, इसमें सारी मेरी बास्केट्स का एक स्टोरेज है जो कि मेरे बहुत यूज़ होता है, मैं गिफ्ट्स देने लेने के लिए इस्तेमाल होता है, जब मैं डिनर्स वगैरह करती हूँ वो मैं अपनी ब्रेड्स और चीज़ें मेरे इसमें डेकोरेट करती हूँ, आप लोग के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ कि जो जो
जो जो कुछ मैं कर रही होती हूँ तो उस पर मैंने रखा हुआ है, इसको ऊपर लगाया हुआ है मैंने। और अच्छा, इसको ना ऊपर से हुक्स को बोल्ट करने का मतलब ये कि ऊपर जो अभी तो जो सदिया सा होता है उसके अंदर से नहीं, मैं वो ड्रिल कर ड्रिल करके ना तो उसमें लकड़ी के साथ अंदर स्क्रीन हो जाती है। हाँ, वो किया हुआ है। और एक के जो आते हैं मेरे पास काम करने के लिए इरशाद इलेक्ट्रीशियन, वो बहुत अच्छा और बहुत सालों से काम कर रहे हैं मेरा, वही करते हैं सारा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये बास्केट्स हैं, ये बास्केट है, इसमें मेरे ड्राई फ्लावर्स हैं चीज़ें, ये भी सॉर्ट ऑफ मेरी बास्केट्स और कैंडल्स वाली एक जगह है जो स्टोर किया हुआ है मैंने इसके अंदर ना। तो जब डिनर्स वगैरह होते हैं इसके अंदर कैंडल्स हैं जो इरशाद निकालती है, यूज़ कर लेती है। तो आप एक उल्टी साइड से दिखा रहे थे, मैं बता रही हूँ ये जगह है सारी, वो उल्टी साइड से फोकस कर रहे हैं। ये जो है ना, ये ऊपर सारी वो पड़ी हुई है बास्केट्स और सारी, मतलब ये जगह आपने देखने को कहा था तो मैंने आपको दिखा दिया है। और यही मेरी चीज़ें एक मेरे जाफरी लगी हुई है मेरे ड्राइंग रूम में भी, डाइनिंग रूम में भी, वो भी मैं किसी टाइम दिखा दूंगी। नवीद आप मुझे कह रहे थे वो भी दिखा देंगे रहने दें, क्योंकि आज जुमे के लिए जाना है सबने नमाज के लिए, तो मेरा भी वैसे तो मैंने पढ़ पढ़ लिया सारा अभी, लेकिन नमाज तो रहती है। तो ये सारी सूरत हाल है और ये वो जाफरी है ये जिसका सब मुझे कह रहे थे, तो आज मैंने टूर डी जाफरी करा दिया है। तो अगर कोई इससे कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। हुक्स भी मैंने आपको दिखाई है, मैंने आइकिया से लिए, लेकिन वैसे यहाँ पे आराम से मिल जाती है। बाकी की चीज़ें जो नॉर्मल तार है उससे बांधी है, लेकिन मुझे हुक्स है उनसे ये होता है कि जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं वो तार लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। आपने इसमें देखा ही होगा बहुत सारी, जैसे हुक्स है शायद तुम इसमें रखती हो, इसमें ड्रिंक्स में इसमें रखती है जब सर्व करनी होती है। ये मेरे पास बहुत सारे थे और मुझे बहुत मैंने कुछ लोगों को इसमें गिफ्ट्स भी डाल के दिए हैं। ये गिफ्ट में कहते हैं किसी ऐसी चीज़ में किसी को दिया करें जो बाद में याद भी रहे, कोई प्रिजर्व कर सके। जैसा जब मैं उमरे से आई थी तो मैंने वो जो शीशे वाली थी उसमें मैंने डाल के खजूरें वगैरह दी थी, वो एक मैं आपके पास एक यादगार सी रह जाती है। तो गिफ्ट देना में थोड़ी सी एफर्ट डाले तो बहुत ही अच्छा कुछ हो जाता है। तो एक्चुअली ये वो जाफरी है जो कि एक स्टोरेज प्लेस भी है मेरी। अब मैं जाऊँगी सलोन तैयार होकर ना, बाल छाल अपने थोड़े से मैंने करवा जो करवाती होती हूँ डाए वाए जो डाए, तो शायद अभी ना कराऊँ टाइम नहीं है, नहीं जाऊँगी ना, शाम को कहीं जाना है। और लेकिन आपको ड्रेस पहन के भी दिखाती हूँ जो मेरा बन के आया है। काइंडली जो साइट मैंने क्रॉस स्टिच के आपके साथ शेयर की है उसको आप फॉलो करें और आप कुछ ना कुछ उनसे बनवा के देखें, आपको अच्छा लगेगा, ज़रा इनोवेशन आएगी। टेबल मैट्स आप बनवा सकते हैं, कुशन कवर्स आप बनवा सकते हैं, पिलो कवर्स बनवा सकते हैं। कुशन्स तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, टेबल मैट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप कोई भी आपको आइडिया है, मैंने पॉकेट्स और वो बटन्स बनवा लिए थे, आगे जाके भी देखें मैं कुछ बनवाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जिनके बेबी गर्ल्स हैं और बेबी बॉयज़ भी इवन, उनकी भी आप पॉकेट्स वगैरह बनवा सकते हैं। बेबी गर्ल्स के लिए आप थोड़ा सा क्रॉस स्टिच कॉटन पे या लॉन पे करवा के उनकी फ्रॉक्स इतनी गर्मी ईद के लिए बहुत अच्छे बनवा सकते हैं। तो चलते हैं आज के अगले दिन की तरफ। तो लोग मुझसे कहते रहते हैं ना डाइट शेयर करें, तो मैं बता दूँ ये आलू गोश्त बना हुआ था जो इन लोगों ने बनाया था, इतना तेज़ एक सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी ऊंची ऊंची बोल के बता रही हूँ। और ये चिकन वाइट चिकन कढ़ाई टाइप ने भी इतने बनाई थी, वो मैंने बॉइल्ड राइस की और साथ ही ऊपर पुदीने की चटनी है। लाइट के लिए मैंने आपको अपना सूट दिखाना था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे पहन के। और ये वो क्रॉस स्टिच का जो मैंने लिखवाया पॉकेट और बटन्स मेरे जो मैंने लिखवाए थे, चीज़ें तो मैं इकट्ठी करना चाह रही हूँ। इसके बाद में से मैंने जूते निकाले और मारियाँ खुली हुई अभी, लेकिन मैं अंधेरा है लाइट नहीं है, बाहर आपको रोशनी में दिखाती हूँ और चलते हैं भाई। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार।